तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो जस्ट कबड्डी लीग खेली जा रही है इसका भाई जो आज के दिन का लास्ट मैच और तीसरा मैच और टूर्नामेंट की बात करें तो मैच नंबर 21 जो कि खेला जाएगा एमपी रॉयल वर्सेज तमिल टाइटन्स के बीच में। अब इन दोनों ही टीम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है, अदरवाइज भाई इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। लेकिन अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो इजीली आप इस मैच में काफी शानदार विनिंग भी कर जाओगे, बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको यहां से स्किप नहीं करना है। अब अगर बात करें भाई मैच की तो एक एक प्लेयर के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले भाई यहां पर आपको बता दूं आपके लिए 10 लाख रुपए की जीएल लगी हुई है, इसके अलावा अगर बात करें तो 1.5 लाख की मिनी जीएल लगी हुई है। इन दोनों कॉन्टेस्ट के लिए मैं कुछ जीएल कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा कहां पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अभी के अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर अगर बात करें अब दोनों टीम्स के बारे में तो दोनों टीम्स की बात करें तो यहाँ पर भाई यहाँ पर देखिए एमपी रॉयल, ठीक है, एमपी रॉयल यहाँ पर अभी तक इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और अभी तक अनडिफीटेड टीम है। 4 मैच खेले हैं, 4 के 4 मैच जीत के आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें भाई सामने तमिल टाइटन्स की तो इन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में खासा इम्पैक्ट नहीं डाला। 1 मैच इन्होंने जीता था 5 मैच में से मुंबई मास्टर के अगेंस्ट में, वो भी सिर्फ 1 पॉइंट से। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि तमिल टाइटन्स कितनी ज़्यादा वीक है एज कंपेयर टू एमपी रॉयल। तो मैं रिकमेंड करूंगा 5-2 का रेशियो आप रखो एमपी रॉयल के फेवर में। बाकी अभी मैं आपको एक डेमो टीम भी बना के दिखाऊंगा जो आप यहाँ पर प्रिडिक्शन टीम मान सकते हो, क्योंकि फाइनल टीम रहेगी ना दोस्त वो तो टेलीग्राम पर मिलेगी। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर मैं जो 7 प्लेयर बताऊँ उनमें से कोई 1 या 2 प्लेयर आपको लास्ट जो स्टार्टिंग 7 आए उसमें खेलते ही ना नजर आए, तो वो जो अपडेट है वो भाई एक ही जगह मिल सकती है टेलीग्राम चैनल पर। जैसे ही लाइनअप्स अनाउंस होगी मैं वहाँ पर टीम अपडेट कर दूंगा, साथ ही साथ कुछ जीएल के कॉम्बिनेशन भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। सबसे पहले एमपी रॉयल्स की बात कर लेते हैं, इनकी तरफ से भाई विकास दिखेंगे जो लास्ट मैच में यहाँ पर आप देखिए 11 टैकल करके आ रहे हो, 2 टच पॉइंट, उससे पहले वाले मैच में भी यहाँ पर 4 टैकल है। सबसे पहले वाले मैच में आप देखोगे यहाँ पर भाई बंदे ने 7 टैकल किए हुए, तो वन ऑफ द बेस्ट पिक है, 100% टीम में रहेगा, इवन कैप्टनसी का सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा। एच तिवारी लास्ट मैच खेला नहीं है, स्टार्टिंग के मैचेज में इन्होंने भी अच्छा किया था, 3 टच पॉइंट 3 टैकल। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो सेकेंड लास्ट मैच यहाँ पर भी 3 टैकल है, हर मैच में अच्छा कर रहे हैं बट खेल नहीं रही लास्ट मैच में, तो भाई क्या ही कर सकते हैं। के दिलीप की बात करें तो भाई इन्हें भी आप बैक कर सकते हो, लास्ट के 2 मैच में भाई इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है, लास्ट मैच में 2 टैकल है, सेकंड लास्ट मैच की बात करें तो यहाँ पर भाई बंदे ने 3 टैकल कर रखे हैं। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहाँ पर के कुमार आपको दिखेंगे जो लगातार आपके लिए अच्छा करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई आप प्लेयर्स की पोजिशन नहीं बताते, तो देखिए हर मैच में यहाँ पर प्लेयर्स की पोजिशन चेंज होती है, इतने छोटे लेवल का टूर्नामेंट है तो भाई यहाँ पर प्लेयर्स की पोजिशन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं अगर आपको बताऊंगा ना तो कोई भी प्लेयर की पोजिशन फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि भाई ये मेन रेडिंग करेगा तो हो सकता है अगले मैच में यही मेन डिफेंडर बन के खेल जाए, तो यहां पर सिर्फ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर फोकस करेंगे। यहां पर अगर बात करें तो बंदा आप देखें कीर्ति कुमार यहाँ पर जो 3 मैच है स्टार्टिंग उसमें अच्छा खासा चल के आया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी यहाँ से एस चौधरी और पी गौतम इनको आप जीएल मिनी जीएल में बैक कर सकते हो। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की तो यहाँ पर भाई जो सबसे बड़ा नाम है वो सुनील नरवाल का, एकमात्र ऐसा प्लेयर जो अभी तक एक भी मैच जिसने मिस नहीं किया टीम का और एक भी मैच में फ्लोप नहीं हुआ। पहले मैच में आप देखो तो भाई 27 टच पॉइंट 6 बोनस पॉइंट 2 टैकल, जो सेकेंड मैच था उसमें भाई 20 टच पॉइंट 8 बोनस और 1 यहाँ पर टैकल, उससे अगला मैच जो था उसमें भाई यहाँ पर देखिए 14 टच पॉइंट 1 बोनस 2 टैकल, वहीं जो सबसे लास्ट मैच था यहाँ पर आप देखिए 10 टच पॉइंट 1 यहाँ पर भाई बोनस पॉइंट। वहीं अगर बात करें भाई सरवन की तो सरवन ने लास्ट मैच में 19 टच पॉइंट निकाले। अब ऐसे प्लेयर आपके लिए जीएल मिनी जीएल में इंपॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि सारी दुनिया इसको स्मॉल लीग में लेकर आएगी लेकिन हो सकता है इस मैच में मैं इन्हें स्मॉल लीग में ट्राई ना करूँ। बात करें अगर तमिल टाइटन्स की तो इनकी तरफ से भाई यहाँ पर राहुल दिखेंगे जो लास्ट मैच में कमाल करके आ रहे और पहले मैच में भी इन्होंने कमाल किया था, तो आप इन्हें बैक कर सकते हो। पहले मैच में सुपर 10 था,
लास्ट मैच में सुपर टेन है, आप अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्राई कर सकते हो। लुकमान मोहम्मद की बात करें, मात्र एक मैच में चला था, उसमें भाई यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी, आई फाइव लगाया था, उसके बाद फ्लोप रहे। वहीं अगर बात करें हितेश सिंह की, तो स्टार्टिंग के भाई चारों मैचेज में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद लास्ट मैच में थोड़े फ्लोप साबित हुए, बट अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हें बैक कर सकते हो, अच्छी खासी रेटिंग में आपको पॉइंट दे देंगे। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन गोवेज की, भी एक ही मैच में चला था, पहले मैच में यहाँ पर आप देखिए इन्होंने भाई यहाँ पर 6 टैकल निकाले थे, उसके बाद कंप्लीटली फ्लोप रहे हैं। सागर की बात करें तो इन्हें भी जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, पहले मैच में ही चले थे। गौरव तोमर भी ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए लास्ट मैच के अलावा, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी मैच में नहीं चले थे। बात करें अगर डिफेंस की, तो डिफेंस में आप यहाँ पर देखिएगा नागेंद्र आपको दिखेंगे, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि हर मैच में डिसेंट परफॉर्मेंस है जरूर देकर जा रहे हैं। हिमांशु की बात करें तो ये भाई एक मैच में अभी तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आए थे, उसमें भाई 3 टच पॉइंट 2 टैकल निकाले थे, बाकी ज़्यादा कुछ कमाल इन्होंने नहीं किया है। बात करें अगर टीम की, तो चलिए मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ। यहाँ से अगर बात करें तो जो भी अभी मैं आपको टीम बना के दिखाऊंगा ना, इसे आप एज ए प्रिडिक्शन टीम लीजिएगा, फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी। विकास को अपनी टीम में रखेंगे, इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर आप चाहो तो नागेंद्र को अपनी टीम में रख सकते हो, इसके अलावा भाई यहाँ पर मैं के दिलीप को अपनी टीम में रखूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो कीर्ति कुमार को मैं अपनी टीम में रखूंगा, और इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ से और किसी ऑलराउंडर जैसे गवेस्की को ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ट्राई नहीं कर रहा। यहाँ से सुनील नरवाल मेरी टीम में रहेगा, हितेश सिंह मेरी टीम में रहेगा, सरवन मेरी टीम में रहेगा, ठीक है। सरवन की जगह पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ से भाई एस चौधरी को ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई डिफेंस सेक्शन में जाकर एक एक्स्ट्रा एमपी का डिफेंडर ले सकते हो, जो कि भाई यहाँ पर खेलता है, तो एस तिवारी रहेगा, अदरवाइज भाई यहाँ पर हम सरवन को लेकर चले जाएंगे। कैप्टनसी की बात करें सुनील नरवाल को देंगे, वीसी की बात करें विकास को देंगे, क्योंकि एक टीम का मेन रेडर बना हुआ है और एक टीम का मेन डिफेंडर, दोनों प्लेयर्स को आप अपनी टीम में सी वीसी रखिएगा। चाहे तो आप सी वीसी को रोटेट भी कर सकते हो, कैप्टन आप विकास को बना सकते हो, वीसी सुनील नरवाल को, ये काम आप कर सकते हो। टीम प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है, कोई भी चेंजमेंट होता है, कुछ भी अपडेट होती है तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर आपको दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा, अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।